मोहल्ले के अंदर उगाई करना, लोगों को डराना धमकाना इनकी आम बात है। सर उनके पास धारदार हथियार थे। ये कल नाइट को 11:30 बजे से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, जिसमें एक तो विक्रम गुर्जर था, उदावास झुंझुनू का, एक कोई नवीन सिंह राजपूत था। ये गंठेल जा रहे थे मुनिम जी की डाणी, तो ओटोलो वाले ने सड़क के बीच में वो गत पर खड़ा कर रखा था और गाड़ी उसे टकरा गई, जिससे एक की मौत हो गई विक्रम की और एक इंजर्ड जो है वो बीकानेर जयपुर रेफर किया गया नवीन सिंह को। दोनों ये उदावास झुंझुनू और उम्र 24 साल, और जो ट्रोला चालक है वो ट्रोला चालक नहीं मिला अभी, ट्रोला खड़ा है मौके पर। थरदेशी पत्रकार मनोज थे, देख रहे हो जिले को चुरू। चुरू के अंदर एक आपसी रंजिश ही रंजिश के बाद में मारपीट हुई, मारपीट है जी की मर्डर के अंदर कन्वर्ट होगी है, बदल गई, एक मौत भी है मामले में होगी। जयपुर एक बुजुर्ग हाजी का रेफर करी थी आपने बाद में, बाकी अमोटे भाई साहब जी को विवाद हो कि ये बात नहीं लगी कोई विवाद हो? सर विवाद ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, मोहल्ले के अंदर उगाई करना, लोगों को डराना धमकाना इनकी आम बात है। ये आपस में हम लोगों से रंजिश रखते थे, पीछे भी इन लोगों ने 10 महीने पहले हम लोगों के साथ मारपीट की थी, उस वक्त भी हमारे परिवार से 7 जने घायल हुए थे। अब इन लोगों ने कल पहले मेरे बेटे के साथ मारपीट की, तो मेरे ताऊजी इनको बोलने के लिए गए कि भाई किस लिए तुमने उसे मारा, तो उन लोगों ने एक राय होकर मेरे ताऊजी पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मेरे ताऊजी को दाऊद की दुकान के सामने उन्होंने मारा। उसके बाद मेरे ताऊ का लड़का, उसकी बीवी और मेरे ताई जी, ये लोग उठा के उन लोगों को, उस मेरे ताऊजी को उठा के घर के अंदर ले आए। जैसे वो घर के अंदर घुसे हैं, वो लोग पीछे से फिर घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद उन लोगों ने मेरे ताऊ के लड़के के साथ मारपीट की, मेरे ताऊजी को फिर उन लोगों ने मारा, उसके बाद बेहोशी की हालत में उसके बाद भी उन लोगों ने मारा, फिर मेरे ताऊ के लड़के के साथ मारपीट की, उसके भी सर में, आँख पे, कमर पे, पीठ पे, पैर में, हर जगह चोटें आई हैं। ताऊ भाई का लड़का, भाई की बीवी, उसको भी चोटें आई हैं, ताई जी हैं उनको भी चोटें आई हैं। अच्छा आप वार्ड है जी को कौन सा है? वार्ड नंबर 37 है सर। 37 नंबर की घटना है। एक बात में क्या मुकदमा है फिलहाल दर्ज करवा दिया? मुकदमा दर्ज करवाया सर, हम लोगों ने अपनी तरफ से FIR दी है। अब यहाँ कार्रवाई है के टाइप की? कार्रवाई के अंदर सर एक मुजरिम अभी पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। मांग रहे जी? मांगी है कि जो आरोपियों को सर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जहाँ कल 30 तारीख की घटना की मारपीट की टोटल पहली थे विवाद बता रहे हो, तो भैया अंदर भी इसी पहली घटना हुई है? बिल्कुल सर, इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, 7 जने उस वक्त हमारे घायल हुए थे, ताऊ जी का हाथ टूट गया था, 3-4 लोगों का, हम लोगों के सर फूट गए थे सबको, किसी को 7 टांके, किसी को 5 टांके, इस प्रकार आए थे। एक छोटा बच्चा था उसके भी चोट लगी थी। अच्छा महिलाएं भी है जो टिलिंग में? जी जी सर, महिलाएं भी, महिलाओं को साथ मारपीट की, बच्चों भी एडमिट है? हाँ जी सर, मतलब जितना भी व्यक्ति हवा से मारपीट है, मारपीट में जहाँ एक तो आता हूँ या कोई लाठी डंडों कुछ ले आया? सर उनके पास धारदार हथियार थे, बबलू के हाथ के अंदर एक स्टील का पाइप था, उसके ऊपर तार लपेटी, उसके ऊपर सर उसने एक चक्री लगाई हुई थी, मोटरसाइकिल की जो लगती वो चक्री लगाई हुई थी सर। उसके अलावा शाहरुख के पास, आदिल, चांद, साकिर, ये सोहेल, समीर, इन लोगों के पास हथियार थे। किसी के पास लोहे का पाइप था, किसी के पास स्टील का पाइप था, किसी के पास बेसबॉल के डंडे थे। घटना है दिन में हुई है शाम को? जी सर, ये तकरीबन 7:30 बजे का वाक्य है। उसके बावजूद सर जब हम जी शाम को 7:30 बजे के बाद की बात वाक्य है, उसके बाद सर हम लोग अपने ताऊजी को लेकर, घायलों को लेकर हॉस्पिटल आ गए। उसके दौरान भी उन लोगों ने फिर जाके घर पर हमारे साथ गालियां गलौज की, औरतों को बोला कि तुम्हारे मर्दों को मारा है, अब तुम्हारी औरतों को, तुम लोगों को जान से मारेंगे। तो आज ये घटना है वह घर के अंदर या मारी जगह बनी या बारी ही? ताऊजी को दाऊद की दुकान के सामने मारा है, उसके बाद घर पे मारा है, ताऊजी के लड़के को, उसकी बीवी को और उसकी माँ को घर के अंदर घुस के मारा है सर। तो बारे जिया मान लो व्यक्ति देखा तो कोई बीच बचाव करने भी आए? सब डरते हैं सर, कोई नहीं आएगा, उनके बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको शय मिली हुई है, ऊपर से उनको शय मिलती है राजनीतिक प्रभाव के अंदर, वो लोग हैं उनको शय मिलती है और बदमाश प्रवृत्ति के लोग, एक भी आदमी उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं होता। आज यहाँ थे है मामलों दर्ज करा रहे, आगे आ रहे हो तो थाने भी अभी कोई डर में है कि चाली? जब सब हमारा आदमी मर गया तो हम अब क्या डरें, जब आदमी हमारा खत्म हो गया, अब तो हम प्रशासन से सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आज अपना जो व्यक्ति है जिसका कितना घायल है अंदर? घायल में सर अभी 3-4 लोग घायल है। जी, और एक की मृत्यु हो गई है। ताऊजी को जयपुर लेके गए थे, वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि इनकी डेथ हो चुकी है। और भी कहना जयपुर रेफर कर दीजिए? नहीं सर, एक आदमी रशीद पुत्र रफीक ने
पर्चा बयान किए कि मेरे पिताजी दाऊद की दुकान पर सामान लेने गए थे, उस दौरान शोएब उर्फ बिल्लू, इस्पाक, चांद आदि लोगों ने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की। मारपीट से वो नीचे गिर गए, मैं भाग के छुड़ाने लगा तो मेरे साथ भी मारपीट की, मेरी पत्नी भी आई उनके साथ भी मारपीट की, जिस पर मजरूर रफीक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जिनकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है, मुजरिमानों की तलाश की जा रही है। मामला 307 में दर्ज हुआ था, मृत्यु के बाद 302 धारा एड की गई। कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है? FIR में 9 लोगों को नामजद बताया है, जिनकी तलाश की गई। तो अपना जी का विजिल है, लगातार दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल का है और इमरजेंसी वार्ड के अंदर मैंने भर्ती कर रखे हैं और वन आप बातचीत करा और लेकिन वहाँ बात ये चीज मैंने डेथ हुआ अभी नहीं पतो को नहीं कोई वजह है आप बैठेगी बातचीत को उनके लिए बाकी आप कैस का हाँ क्या गंभीर अपने आप में मामलों है एक विवाद है विवाद फिर किया है जिसको मर्डर में बदल गयो आज चीज़ आपने चूरू के अंदर देख रहे हैं मिली है थे मसले पर केस हो जाए वो कमेंट बॉक्स द्वारा जरूर बताओगे जय चूरू जय राजस्थान जय।